हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक हैं। मैं हूं रिमी। इस वीडियो में आप देखेंगे ये बहुत खूबसूरत सी मधुबनी पेंटिंग। इस पेंटिंग को मैंने पहली बार ड्रेस के ऊपर ट्राई किया है। एक्चुअली ये ड्रेस मेरी काफ़ी पुरानी थी और मेरी वार्डरोब पे ऐसी पड़ी थी, बहुत सिंपल थी, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक डिज़ाइन कर लेती हूँ। आप भी कोई अपनी पुरानी सिंपल ड्रेस के ऊपर इसको कर सकते हैं या फिर कोई नई ड्रेस के ऊपर भी इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत है, बट इसको टाइम आपको थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी वर्क है इसलिए, बट है बहुत ही खूबसूरत। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ड्रेस के ऊपर आउटलाइन कर लेना है और कलर के लिए हमें यूज़ करना है फेविक्रिल की एक्रेलिक कलर। और कोई बात नहीं, अगर आपके पास फेविक्रिल की एक्रेलिक कलर नहीं है, आप कैमल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ आप देखिए, मैंने पहले पेंसिल से ये मैंने स्केल से मार्क कर लिया है। इसके ऊपर हमें डॉट्स बना के ये पूरे बॉर्डर को कंप्लीट करना है। ये डॉट्स से थोड़ी लंबी होगी और कलर के लिए मैं फ्लैश टिंट एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ और 0 नंबर की राउंड ब्रश। आप इस डिज़ाइन को, इस बॉर्डर को थोड़ी ब्रॉड भी बना सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगेगी। बट इसके अंदर जो डिज़ाइन है वो बहुत हैवी लुक है, इसलिए मैंने बॉर्डर को थोड़ी पतली बना रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ी थिक भी बना सकते हैं, मतलब थोड़ी ब्रॉड। ये बॉर्डर कंप्लीट हो गई। अब इसके अंदर हमें पहले पीकॉक की पेंटिंग को कंप्लीट करना है, उसके बाद दूसरे कलर को कंप्लीट करना है, दूसरे डिज़ाइन को, सॉरी। अब यह देखिए, यह पहले ये मैंने स्काई ब्लू एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ और सेम ब्रश, राउंड ब्रश। यहाँ पहले मैं एक बात बोलूँगी आपको, बोतल से कभी भी कलर यूज़ मत कीजिए क्योंकि वो बहुत ड्राई हो जाती है बहुत जल्दी। आप एक प्लेट में ले लीजिए कलर, फिर उसी से कलर लेके कलर कीजिए। नहीं तो ये मेरी बहुत बुरी आदत है कि बोतल से मैं कलर लेके कलर करती हूँ तो क्या होता है, वो कलर बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। ये डिज़ाइन बहुत छोटी छोटी वर्क है इसलिए आपको टाइम थोड़ी ज़रूर ज़्यादा लगेगी, बट ये है बहुत खूबसूरत। और एक बात, अगर आप कोई सिल्क ड्रेस के ऊपर इसको पेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये नॉर्मल, ये जो एक्रेलिक कलर से मैं पेंट कर रही हूँ, इसके ये कलर से पेंट नहीं कर सकते क्योंकि ये कलर थोड़ी पतली होती है और सिल्क के ऊपर ये पतली कलर से कलर करते हैं तो वो पूरे पीछे आ जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पाल मेटालिक कलर, जो कि फेविक्रिल की होती है, पाल मेटालिक कलर, वो कैमल के भी होते हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ फेविक्रिल की है, तो उससे आप कलर कर सकते हैं। वो थोड़ी थिक है और उसमें बहुत ग्लिटरी शाइन है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। और पार्ल मेटेलिक कलर से आप कॉटन के ड्रेस के ऊपर भी कलर कर सकते हैं। और ड्रेस के ऊपर पेंट करने से पहले पीछे इसके कोई कार्डबोर्ड, कोई थिक बोर्ड रख दीजिए ताकि कलर पीछे ना लग जाए। इस डिज़ाइन को ऑल ओवर पहले स्काई ब्लू कलर से करना है, उसके बाद हमें नेक्स्ट कलर से करना है। इस डिज़ाइन को कंप्लीट करने में मुझे थोड़ी मुझे कितना टाइम लगा था एक्चुअली, एक डेढ़ घंटा ऑलमोस्ट। और यदि तुम्हारा बांगाली हो ताहले आमाके बांग्लाते कमेंट करते पारो कि जानते चाओ आमाके बोलते पारो, नो प्रॉब्लम। पहले इस पिकॉक को डिज़ाइन करने से पहले इसके बॉर्डर अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद ही ये पीकॉक की पेंट कीजिए, नहीं तो कलर हाथ पे लग सकते हैं और उसके बाद पूरे ड्रेस को लग के कलर एकदम ख़राब हो सकती है। अब इसके इसके बट के ऊपर ये हेड पे हमें गोल्डन येलो कलर में कर रही हूँ। आप अपने पसंद के कलर चूज़ कर सकते हैं अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग। पहले स्काई ब्लू कलर अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद ही इसके अंदर कलर करना है, नहीं तो वो ड्राई अगर नहीं होती है तो क्या होगा, दो कलर मिक्स हो जाएगी कलर। एक्चुअली ये मैं अभी सोच के कलर कर रही हूँ, कहाँ कहाँ मुझे कौन सी कलर देना है, तो इसलिए मैं सोच के मुझे थोड़ी टाइम लग रही है कहाँ कहाँ कौन सी कलर देना है। आप अपने पसंद के कलर यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास ये सब कलर नहीं है तो आप, तो ये अगर गोल्डन येलो कलर आपके पास नहीं है तो लेमन येलो कलर से भी आप कलर कर सकते हैं, वो भी बहुत शाइनी है, बहुत प्रीटी शेड है।
अब यहाँ इस डिज़ाइन को और भी गॉर्जियस दिखाने के लिए, और भी ब्राइट दिखाने के लिए, मैं सेरुलियन ब्लू एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। बस थोड़ी सी बची है मेरे पास ये कलर, और ज़्यादा नहीं है। बहुत खूबसूरत शेड है। मैं हमेशा फेविक्रिल की अल्ट्रामेरिन ब्लू एक्रेलिक कलर थोड़ी स्किप करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है उस कलर से वॉश करने के बाद कलर थोड़ी उड़ जाते हैं, उस कलर से ड्रेस के ऊपर आ जाती है, क्योंकि इसलिए मैं वो कलर स्किप करती हूँ। मैं आपको भी बोलूँगी अल्ट्रामेरिन ब्लू, शायद आप जो यूज़ करते हो उसमें शायद प्रॉब्लम नहीं होगी, शायद मेरे पास जो बॉटल था, बट मैंने 2-3 बॉटल यूज़ किया है अल्ट्रामेरिन ब्लू की, तो सारे में से कलर आ जाती है, इसलिए मैं वो स्किप करती हूँ। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अल्ट्रामेरिन ब्लू एक्रेलिक कलर बहुत प्रिटी शेड है, बट उसके इस प्रॉब्लम के लिए मैं स्किप करती हूँ। अब यहाँ ये छोटी छोटी वर्क देखिए, अब ड्रेस के ऊपर जितनी छोटी छोटी वर्क होगी वो ड्रेस ज़्यादा खूबसूरत होगी, और ड्रेस के बाद पहनने के बाद सबको लगेगा इसमें कितनी मेहनत हुई है और ये कितनी खूबसूरत है। अब यहाँ छोटे छोटे डॉट्स। अब यहाँ नेक्स्ट हमें देखिए ऐसे फ्लावर की ब्रांचेस करनी है यहाँ। इसके लिए मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, आप राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैं सेरुलियन ब्लू एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। ये सिर्फ मैं ब्रांचेस के लिए यूज़ करूँगी। इसके लिए मैंने, अब देखिए इसके लिए मैंने मार्क कर लिया है। अब यहाँ भी अब यहाँ हमें फ्लावर की पेंटिंग करना है। अब देखिए ये फ्लावर कितनी आसानी से फ्लावर बन जाएगी आपको पता ही ना चले। ये मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। देखिए ये ट्रिक्स कितनी आसान है, यहाँ फ्लावर बनानी है। अब यहाँ सारे ब्रांचेस के साइड पे हमें थोड़ी थोड़ी हमें थोड़ी जगह छोड़ के इसको करना है। इसको मैं फ्लावर नहीं बोल सकती, एक फ्लावर की पत्ती बोल सकते हैं आप इसको, आप लीव्स भी नहीं बोल सकते। ये गोल्डन कलर से करना है, गोल्डन येलो कलर। और आफ्टर पेंटिंग, क्योंकि आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे पूछते हैं आफ्टर पेंटिंग ये कुछ ड्रेस पेंटिंग ऐसे ही रहते हैं कि नहीं, सो डोंट वरी, ये सारी ड्रेस के ऊपर मेरी खुद की ड्रेस है ये जो पेंट करती हूँ, सो डोंट वरी। बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ हो रही है, एक्चुअली मेरे बेटा अभी उठ गया, वो खेल रहा है, इसलिए आई एम सो सॉरी। अब यहाँ ना थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के ही हमें करना है। अब यहाँ भी और एक फ्लावर बना दूंगी, नहीं तो यहाँ थोड़ी, आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ी खाली खाली लग रही थी मुझे, तो इसलिए मैं और एक फ्लावर बना रही हूँ वहाँ। अब यहाँ, अब जहाँ जहाँ मैं पहले आपको बार बार बोल रही थी, इसलिए कि यहाँ थोड़ी जगह छोड़ के हमें करना है। देखिए तो वहाँ हमें स्काई ब्लू कलर से, क्योंकि हमें मिक्स और मैच करना है, हमें यहाँ जो पीकॉक की पेंट थी वो स्काई ब्लू कलर से थी, तो इसलिए हमें मिक्स और मैच करके, इसलिए मैं यहाँ ये फ्लावर की लीव्स ये कलर से बना रही हूँ। और मैं जो बोल रही थी, आप ड्रेस को आपको कैसे मेंटेन करना है आफ्टर पेंटिंग, आप 24 आवर्स के बाद, 24 आवर्स के लिए ड्रेस को ऐसे ही रख दीजिए, उसके बाद 24 आवर्स के बाद ड्रेस के बैक साइड में एक बार प्रेस कर लीजिए, और उसके बाद 72 आवर्स के बाद आप कभी भी आप ड्रेस को वॉश कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बस इसको आप नॉर्मल हैंड वॉश कर सकते हैं और कुछ नहीं, मशीन वॉश बिल्कुल मत कीजिए। अब यहाँ एक बॉर्डर अब दे सकते हैं ऐसे, नहीं तो ये स्किप भी कर सकते हैं। ये भी मैंने सोचा थोड़ी मिक्स और मैच कर लेती हूँ तो और भी खूबसूरत लगेगी इस डिज़ाइन, इसलिए।
आई होप आपको इस वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी हेल्पफुल लगी अगर आपको इस वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। और ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है जहाँ जहाँ मैं इस ब्रांचेस बना रही हूँ वहाँ आपको बनानी है, ये आँख बहुत ध्यान से करना है आपको, नहीं तो इधर उधर हो जाती है तो पेंट एकदम ख़राब हो सकती है। अगर आपको अगर लग रहा है ये इस जगह थोड़ी खाली है तो आप वहाँ भी ब्रांचेस कर सकते हैं। तो इस गैप में मैं वो गोल्डन येलो कलर कर रही हूँ, ये मैंने सोचा नहीं था, तो अभी मुझे लग रहा है यहाँ अगर कलर से भर देती हूँ तो वो ज़्यादा खूबसूरत होगी, इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी वेरी गुड डे। अब देखिए इसके बाद भी इस बॉर्डर को भी करना है, ये है आफ्टर पेंटिंग। थैंक यू सो मच, बाय।